PNI News और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। चुनावी माहौल एक तरफ देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े बातें भी की जा रही हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक चूक का मामला सामने आया और उस मामले के बाद जब खुलासा किया ईडी ने कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ था, तो सभी के सभी चौकन्ने हो गए, सभी के सभी होश खो बैठे। क्या नाम लिया यहाँ पर ईडी ने, देखने के लिए समझिए हमारी खास रिपोर्ट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के देश भर के विभिन्न ठिकानों पर छापे पड़े हैं। 100 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने PFI से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी है। इसके अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश रची थी। 12 जुलाई को उनकी पटना रैली में विस्फोट की तैयारी की थी। इसके लिए PFI का टेरर मॉड्यूल खतरनाक हथियारों और विस्फोट को जुटाने में लगा हुआ था। PM मोदी की रैली पर हमला करने के लिए ट्रेनिंग कैंप तक का आयोजन हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक PFI ने UP में भी संवेदनशील जगहों और हस्तियों पर एक साथ हमले की तैयारी की थी। खास बात यह है कि जुलाई के महीने में भी बिहार में पटना से PFI के संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई थी। उस समय उनसे बरामद दस्तावेजों में बताया गया था कि इंडिया 2047 के नाम से PFI की बुलटेक भी थी, जिसमें भारत को मुस्लिम ट्रस्ट बनाने का आतंकी ब्लूप्रिंट था। उस समय की ये बात सामने आई थी कि PFI अपने नापाक मंसूबों के लिए जगह जगह ट्रेनिंग कैंप भी लगा रही है। हालांकि तब बिहार पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता के साथ नहीं लिया था। पटना के SSP मनवजीत सिंह ढिल्लो ने तो PFI के ट्रेनिंग कैंपों की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की शाखाओं से भी कर दी थी। इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी थी। ईडी का यह चौंकाने वाला खुलासा गुरुवार को केरल से गिरफ्तार किए गए PFI मेंबर शफीक पैयत के रिमांड नोट बरामद करने के बाद दिया गया है। एजेंसी ने कहा है कि PFI ने इस साल 12 जुलाई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान हमले के उद्देश्य से ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए थे। खास बात यह है कि अक्टूबर 2013 में पटना के ही गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में आतंकी हमला हुआ था। तब इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े जिहादी आतंकियों ने रैली में विस्फोट किया था। PFI ने पिछले कुछ सालों में 120 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए जुटाए हैं कि वह दंगों और देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। इस फंड में ज्यादातर हिस्सा कैश में है। ईडी के पास इसका पूरा डिटेल है। आपको बता दें कि NI ने 11 राज्यों में छापे मारकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। पूरे देश भर में 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस ऑपरेशन के लिए गृह मंत्रालय में कमांड सेंटर बनाया गया था। 6 कंट्रोल रूम के जरिए इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गई। ये पूरा ऑपरेशन सुबह 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चला है। इस दौरान ANI के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लेकिन देखना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रहे इस हमले की तैयारी को लेकर के अब ईडी के बाद इस खुलासे के बाद प्रशासन जो है वो कौन से नए तरकीब अपनाएगी, सुरक्षा व्यवस्था में कितने और नए इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। देखा आपने किस तरीके से जो है ईडी ने बड़ा खुलासा कर दिया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के। आज की इस खास रिपोर्ट को देख करके आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी ऐसे संगठनों का हाथ आना क्या यहाँ पर साबित कर रहा है कि देश में इस वक्त जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPNI News।